प्रयागराज में हुए वृषपाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने उमेश हत्याकांड में शूटरों को नेपाल में पनाह देने वालों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सिनी अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम की यूपी से नेपाल भागने के बाद मदद की थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने व्यवसायी कयूम अंसारी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल पहुंचे असद और मोहम्मद गुलाम को कयूम ने गाड़ी और रुकने का ठिकाना मुहैया करवाया था। सूत्रों के मुताबिक असद और मोहम्मद गुलाम कयूम के पास एक दिन रुकने के बाद दूसरे स्थान पर चले गए थे। कयूम अंसारी का यूपी के किसी नेता से भी करीबी संबंध होने का पता चला है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा है। कई मामलों में एसटीएफ की टीमें उससे पहले भी पूछताछ कर चुकी हैं। प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके दो गनर्स की मौत हो गई थी। यूपी को दहला देने वाला उमेश पाल हत्याकांड पुलिस के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। वहीं विजय चौधरी वह शख्स था जिसने सबसे पहले उमेश पर फायरिंग की थी। इसके अलावा पुलिस ने सदाकत खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सदाकत के हॉस्टल रूम में ही उमेश की हत्या की साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।